बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, 90s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो शायद मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि 93 में एक पहली किताब लिखी हुई थी, मिस्टर बी एन रेड्डी थे हैदराबाद के, वो कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने लिखी थी पहली और आखिरी किताब, 108 पेज की थी, 150 रुपये इंग्लिश में, क्योंकि इससे पहले तो संस्कृत में लिटरेचर तो हमारे आदिकाल से ही अवेलेबल है। और 94 में धर्मेंद्र शर्मा जी थे बॉम्बे में, वो सिर्फ एलएनटी और जब हम मिले थे उनसे उस समय, वो 96 में मिले थे, एलएनटी का और रिलायंस का ही काम करते थे सर, किसी का नहीं। फिर ये 95 में भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया, धीरे काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है आपको, बड़े अच्छे से टीचर्स अवेलेबल है। ये हमारे गुरुजी थे डॉक्टर पूर्णचंद्र राव हैदराबाद के, ओवरसीज सारी विजिट्स इनके साथ किए हमने, यूएस में, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, और पहले व्यक्ति हम ऐसे मिले थे, और साउथ वालों की तो वैसे ही रेपुटेशन थोड़ी सी खराब होती है, नॉर्थ इंडियन को थोड़ा वो कम वो देते हैं, भाव देते हैं, और सिखाना तो बहुत आज के टाइम में भी लोग फ्री नहीं, जैसे हमारे अपना जयपुरिया जी हैं वो तो विलक्षण ही है, भगवान ने दो महीने छुट्टियों में कम से कम बनाया है, तो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए कि 100% है अपने पास तो 95% देने का प्रयास करते हैं, पर वो तो 100% है तो 102% देने का प्रयास करते हैं। तो पहले हमें व्यक्ति मिले थे तो जिन्होंने कि जो भी है सब, मुझे याद है कि एक बार ना हम कुमार मंगलम बिरला जी के और 2000 के स्टार्टिंग की बात, और उस समय उनका फादर थे ये हैं 14 जून 1967 उनके फादर थे 14 जुलाई आदित्य बिरला जी, तो एक क्रैश में एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो इन्होंने इनहेरिट किया था, तो हैंगिंग गार्डन मैंने एक बार पहले भी आपको आइडिया दिया कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की ऐसे टी आती है पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहाँ वो रहते थे। उस समय तक क्या था कि पहले कहीं जाते थे काफ़े ये बॉम्बे के गुजराती जितने ज्वेलर्स वगैरह काफ़ी उनके सूट होते थे क्लाइंट्स थे, और हम बैग लेके उनका साथ साथ चलते थे, कहीं रुकते थे होटल में बॉम्बे, पूना, जलगांव, धुरिया, नासिक, सब जगह घूमते रहते थे, और 15-20 दिन में जब मोबाइल नहीं होते थे कहीं ढूंढ के शाम को जिस जगह रुकते थे ना वहाँ ढूंढ के कोई टेलीफोन डायल करके घर वालों को बताते थे कि ठीक ठाक है, उस दिन जब हम गए तो वापिस आ गए, जाके वापिस आ रहे तो मैंने कहा सर इतना टाइम एनर्जी हमने लगाया वैसे तो कुछ मिली नहीं, लोग लिफाफा दे देते, एक बात कही उन्होंने जो याद है मुझे, कहते जिसके घर तुम अभी गए थे वो तुम्हें अपने बेडरूम में भी ले गया, वो तुम्हें अपनी तिजोरी की जगह भी ले गया, पूजा के स्थान में भी ले गया, उसके घर को छोड़ दो बाहर का जो कॉम्प्लेक्स है उस गेट पर भी आप हाथ लगा सकते हो क्या बिना उसकी मर्जी के, तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनका स्टडी करना कि वास्तु कैसी है, उनके हॉरोस्कोप देखना कि क्या ग्रह अच्छे हैं जिनके कारण वो यहाँ तक पहुँचे, वो चीज़ें अब ग्रहों को हम चेंज नहीं कर सकते, कम से कम जो पॉजिटिव चीज़ें उनके घर में या उनके वर्क प्लेस में हैं, वास्तु जो अच्छी बनी हुई है उसको, जैसे उसमें टी है नॉर्थ ईस्ट की, ये इम्प्रिग्नेट हो गया दिमाग में, कई जगह क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉपर्टी मिल रही है इसको हम लें, टी है इसके अंदर, तो वो याद है कि नहीं, टी का मतलब है हमेशा हर चीज खराब नहीं होती, सखिया जो है जहर होता है, लेकिन उससे भी आर्सेनिक कम होम्योपैथी की दवाई बनती है जो लास्ट मोमेंट में भी आदमी को खड़ा कर देती है, तो कैसे उसको यूज करते हैं, चक्कू भी ऐसे तो हाँ कट सकता है हाँ, लेकिन उसके फल काटो सब्जी काटो कैसे यूज करते हैं किसी चीज को उस पर डिपेंड करता है वो चीज अच्छी है खराब है हमारे, हर चीज को हम खराब भी यूज कर सकते हैं ठीक भी कर सकते हैं, तो ठीक है हमने वहां से सीखा ये स्टार्टिंग की बात है 2000 के आसपास कि टी अच्छी भी होती है, उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो नॉर्थ ईस्ट से ये रोड अंदर वाले से उस पर है स्लोप अंदर आ रही है,
नॉर्थ से क्या मिलेगा? कैरियर, फाइनेंस, पैसा। ईस्ट से क्या मिलेगा? नेमेंट पे, कुरियर। तो इस परिवार में, इस कॉम्प्लेक्स में जो पैदा होता है उसके सरनेम बिरला रखा जाता है, तो पैदाइशी और अपति हो जाएगा, पैदाइशी वो नाम हो जाएगा। तो यानी वो चीजें हैं। दूसरा उन्होंने बात जो कई बार कहते थे, क्योंकि मेहंदी जो बांटता है, लगाता है, उसको खुद अपने लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका तो हाथ वैसे ही पीले हो जाते हैं। ये चीजें मतलब उनसे सीखी है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ के अंदर इसको लोशुग्रीन उनसे सीखा। हम लोग पेंशुई उनके साथ वहाँ गए थे, क्वालालंपुर, एक लिलियन टू मैडम थी वहाँ, एक हफ्ता हम वहीं रुके थे और एक हफ्ता उनके साथ सुबह शाम इंटरेक्ट करके हमने ये कोर्स किया था पेंशुई का। तो वो तो बहुत पुरानी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम तो समझते हैं कि आज जो भी कुछ है उसका 90% ग्रेट उनके साथ। दूसरे हमारे डॉक्टर भोजराज द्विवेदी थे, हिंदी की किताबें उनकी इंग्लिश में होती थी सारी किताबें डॉक्टर राव की, और उन्होंने हमारे को उनसे मिलवाया। डॉक्टर बी एन रेड्डी जो हैदराबाद के थे, एक पास लाइफ एजुकेशन के भी पायनियर हैं डॉक्टर न्यूटन, उनसे भी उन्होंने मिलवाया। ये डॉक्टर भोजराज द्विवेदी थे, जोधपुर के थे, हिंदी में पहली किताब इन्होंने लिखी संपूर्ण वास्तुशास्त्र। फिर एक रेमेडियल वास्तु इनकी किताब थी, हिंदी में नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसकी इंग्लिश हमने की थी, तो उससे हमारे को इसका काफ़ी मतलब डीप नॉलेज हुई, अदरवाइज तो मतलब शेयर नहीं करते। पहली विजिट हमने इनके साथ की थी यहाँ, पहली विजिट इनके साथ की थी यहाँ नोएडा में, मुझे याद है हम लोग गए थे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े दो जनरेटर्स लगे थे। तो मुझे और उसका याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, ये 96-97 की बात है। तो मेजर यही गलती मुझे याद है वहाँ पर, और महारानी बाग में कई वो लोग रहते थे, वापसी आके वहाँ रुके थे, फिर ट्रेन से आए थे, उनको छोड़ा था नहीं, मुझे याद है। तो सिर्फ ये सिर्फ चेंज कराने से, नॉर्थ ईस्ट से हटा के उसको हमने साउथ ईस्ट में जगह नहीं थी, साउथ में उनको लगवाया था, सिर्फ उसी से वो जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, करोड़ों रुपये का उस समय प्रोजेक्ट था, वो जो मतलब बंद होने के कगार था, बैंक से नोटिस आ चुके थे, और वो रिवाइव कर गया। उसके बाद उन्होंने 2-3 और यूनिट्स लगाई, मतलब एक मेजर एक ही चेंज। जैसे किताब ही हमारी लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो या वेस्ट टू अट्रैक्ट वेल्थ, तो उसमें यही हमने बताया कि 100 गलतियां हैं किसी प्रोजेक्ट में, उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, यदि उसको भी ठीक कर दोगे, सर्दी बुखार जुकाम कमर दर्द पेट दर्द ये 10 चीज़ें रह भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमें ICU से उसको आदमी को घर पे लाना है। तो वो एक चीज़ भी आप कर लोगे तो रिवाइव हो जाएगा। जैसे बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, आप फुहारे के नीचे रख दो तो उसको क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो या तो नॉर्थ ईस्ट में को ठीक करो, नॉर्थ ईस्ट में खराबी है उसको अपना ठीक करो, जो खराबी है दूर करो, और वहाँ पर बेस्ट कैसे नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट होता है, वहाँ पर कैसे होता है बताइए मैडम, नॉर्थ ईस्ट से क्या मिलता है पहले ही बताओ। सर वेल्थ, फेम, नेम, फेम, पैसा, पैसा वेल्थ, दोनों चीजें मिलती हैं। नॉर्थ से, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में क्या फर्क है सर? नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ धन का स्थान, नॉर्थ से कैरियर और फाइनेंस को मेनली देखा जाएगा, नॉर्थ से अकेले नॉर्थ, नॉर्थ ब्लॉक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैंक, पैसा, ये हमारे राव साहब एग्जांपल देते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट को आप थोड़ा सा जैसे विजडम से, गुरु की दशा, एजुकेशन से, उससे भी वो कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऐसे कर सकते हैं, उससे दोनों चीज़ें मिलेंगी, हेल्थ भी मिलेगी, पेमेंट फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लेकिन अकेला पैसा चाहिए तो आप सिर्फ जैसे घर में नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करने का कोशिश करें, बहुत से प्लेस है तो नॉर्थ को एक्टिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर हमारा मेन एम क्या है, पैसा कमाना है। नॉर्थ ईस्ट कैसे एक्टिवेट होगा? कोई स्कूल सर वहाँ पानी का फ्लो, कुछ पानी वाला फ्लो ज्यादा रखें। हर आदमी अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में किसका स्थान है? पानी का स्थान। तो वहां
वहां पर पानी का स्रोत क्रिएट करना चाहिए और पानी के अगेंस्ट में जो चीजें उनको हटाना चाहिए, पानी और आग का मेल है, इसलिए वहां से आग को हटा दिया गया। और वहां पर क्या अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, फाउंटेन, जो भी प्रैक्टिकल हो, इवन ऑफिस है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैसा ऑर्नामेंटल फाउंटेन भी लगा सकते हैं। पर मान लीजिए छोटी सी जगह है और कई बार क्या होता है ऑफिस है, गोडाउन है या नरेडा में गए थे, शोरूम है, तो उसके अंदर वो कपड़े का शोरूम था, तो वहां पर हम फाउंटेन लगाएंगे तो नमी आ जाएगी कपड़े में, पेपर का काम होगा वहां नमी आ जाएगी तो खराब हो जाएगा, तो उस वहां पर क्या लगाए, इवन आप पिक्चर भी लगाएंगे ना तो दैट विल आल्सो गिव यू इमीडिएट मूवमेंट। सर वाटरफॉल नॉर्थ में लगाए या नॉर्थ ईस्ट में लगाए थे, जैसे पानी का सिग्नेटरी नॉर्थ हमने कहा, तो नॉर्थ में लगाना चाहिए वाटरफॉल की कोई इमेज या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, क्या चाहिए आपको, उस पर डिपेंड करता है। सर घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाए और ऑफिस में नॉर्थ में लगाए। एक चीज और क्वेश्चन थी, अगर वहाँ किचन हो और उधर सिंक है तो वहाँ तो पानी वेस्ट हो रहा है सर, तो वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। नंबर वन क्या दो बातें हैं, मानो हम किचन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो चीजों से उसको एनालाइज करेंगे, उसके अच्छी बुरी चीजों को। नंबर वन लोकेशन क्या है, यानी घर के किस जोन में हो किचन, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका फ्लोर है इसकी ये जो किचन है साउथ में, खत्म हो गए एक टॉपिक, वो उसके बारे में क्या जवाब दिया आपने, नॉर्थ ईस्ट में किचन ही नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होल हाउस या पर्टिकुलर फ्लोर जिसकी बात है, तो पहले तो क्या हो गया कि लोकेशन उसकी सबसे खराब हो गई, पानी की जगह आग हुई, क्योंकि किचन में पानी होता है नो डाउट, स्टोरेज भी होती है, अनाज भी होते हैं, वेजिटेबल भी, फ्रूट्स भी, फ्रिज भी होता है, सब चीजें होती हैं, एग्जॉस्ट भी होता है, चिमनी भी होती है, लेकिन प्राइमरीली उसको आग के स्थान माना जाएगा। तो पहली एक गलती हो, उसका इफेक्ट क्या होता है सर, जी सर, किचन नॉर्थ ईस्ट में होने का इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट यही होगा कि आपका फ्लो ऑफ मनी मतलब आ गया चुकी तो फ्लो ऑफ मनी बंद हो जाएगा। इसको हमारे गुरु जी कहते थे भारी खर्च और मानसिक अशांति, यदि वास्तु पुरुष आपको ध्यान है सबको, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पार्ट है वास्तु पुरुष का, है सिर पे आग जलना, ऐसे समझा करते थे अभी तो इधर से आपने बताया। और दूसरा क्या है, वहां से क्या क्या मिलेगी, सुख शांति मिलती है, हेल्थ भी मिलती है और वहां से फाइनेंस भी मिलता है, तो तीनों चीजों में आपको कमी आ जाती है। अब लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजाइनिंग स्टेज नहीं है, इसलिए हमने पहला एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बैंक ऑफ इंडिया का वो बनाया था। सर इसमें फिर ये फर्क भी पड़ेगा कि अगर हम ये कुर्सी छोटी पड़ेगी और कहीं आ जाओ, ईस्ट साइड में अपना बांद्रा का अगर हम फेसिंग टुवर्ड ईस्ट साइड तो वो कुछ इसमें रेमेडी होगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा क्या कहना है, पहली चीज को आप वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइनिंग स्टेज नहीं है। उसी से बात शुरू हुई, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है बॉम्बे में बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस बनवाया था, पहली बिल्डिंग बनी थी, उसके अंदर 1.5-2 साल तक हमारा झगड़ा चलता रहा जो उसके चीफ आर्किटेक्ट थे, उत्तम सी जैन थे बॉम्बे के, तो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए थे। तो बाद में शुरू में क्या होता है, एक उस समय तो वैसे ही वास्तु का नाम भी सुना था लोगों ने या कम एप्रिशिएट करते थे इसको, मतलब अपने डिजाइनिंग में अपने आइडियाज में हर्डल मानते थे, लेकिन वो क्योंकि क्रिएटिविटी वो थी काफ़ी कि नहीं जैसे ये कहेंगे वैसे ही होगा, आप आपस में फैसला कर लीजिए। तो 1.5 साल तक लड़ाई झगड़ा होता रहा, अल्टीमेट में जब वो बन गया तो उस बीच में इंटरेक्शन होता रहा, उनसे बात होती रही, मैं ऐसे नहीं कह रहे साइंटिफिक बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स में उन्होंने थोड़ी राय भी दी, वो भी थोड़ा एक्सपेडाइट हो गए, तो उन्होंने फिर इम्प्रेस होके कि आप बात ठीक कह रहे हैं, इट इज आल्सो ए साइंस, यदि भाई हम आर्किटेक्ट है बेस्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर वाली जो है वो बेस्ट स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकती है, लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हो कि क्लाइंट का उससे बेनिफिट हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो भी रेलिवेंट है वो बढ़े, तो इसका भी हम ध्यान रखें तो अच्छी बात है। और इसके अंदर पहले चीज बन जाए और बाद में तोड़फोड़ करे वो खराब है, तो बेसिक कुछ कंसेप्ट ही हमारे को आर्किटेक्ट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, उनको भी होने चाहिए। तो वो स्पेशली हम लोग गए थे IIT खड़गपुर, हमें लेके गए थे 3 दिन हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर भी उनके टेक्स्ट बुक जो है
नहीं लग पाई क्योंकि उस समय तक ऑफिशियली ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। एज ए रेफरेंस बुक उन्होंने हमारी किताब की प्रोग्रेसिव वास्तु वहाँ इंट्रोड्यूस कराई। अभी हम बात उसकी कर रहे थे, किचन की लोकेशन की बात करें, किचन के अंदर हम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। बैठने में कंफर्टेबल होने दीजिए, कहीं पर इधर आ जाइए, यहाँ करने या कुर्सी में भी चेंज कर लो कुर्सियाँ। मेरा क्या कहना है कि लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर के इंटरनल अरेंजमेंट को बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। लोकेशन में क्या हुआ, जैसे हमारी किताब है सुबह बात की उसकी ट्रांसलेशन, उसमें हमने मार्क्स दिए हुए किचन यदि साउथ ईस्ट में है तो 10 नंबर है, नॉर्थ वेस्ट में है तो 9 नंबर है, तो ईस्ट में तो 8 नंबर है, साउथ में 7 नंबर है, इस तरह दिया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में 0 नंबर दिया हुआ है, या पुराने वर्जन को इनिशियल उसमें 3 नंबर दिए हुए, उसमें मान लीजिए कम नंबर आ गया, मान लो 3 नंबर आ गए। अब हम इंटरनल प्लेसमेंट में 100 में से 100, 10 में से 10 लेने का प्रयास करें, जैसे एवरेज 13.5 हो जाए। अब अंदर क्या कर सकते हैं, पहली बात आग, आग की जगह वो, अब हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो वास्तु किचन का करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भूल जाओ ओवरऑल। पहले हमें किचन कहाँ ये देखने के लिए, ओवरऑल जो ये फ्लोर था उसके सेंटर में खड़े हो गए, हमने कंपास को हाथ में रखा। अब हम किचन के सेंटर में खड़े होकर कंपास देख रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है किचन की, बेटा आप बताओ। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में रखने का प्रयास कर रहे, साउथ ईस्ट में ना उसे साउथ में या ईस्ट में कर रहे हैं प्रयास। तो पहली एंडेवर तो ये कोशिश करें, फिर पानी कहाँ अच्छा होता है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नहीं हो सके ईस्ट में, जहाँ पर भी हो सके वहाँ करने का प्रयास करें। कोशिश ये रखें कि वो आमने सामने ना हो, एक लाइन में ना हो। आमने सामने की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है कि मान लीजिए उधर आग हो गई, यहाँ पानी हो गया, तो कब परेशानी आएगी कि यहाँ पर नल चल रहा है और वहां पर आग जल रही है, तो ऐसी स्थिति रेयरली होगी। तो नल खुला छोड़ के कोई खड़ा होगा व्यक्ति उस पर ऑपरेट कर रहा होगा, तो वो बीच में दीवार आ गई एक तरह से, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आग जल रही है, तो नॉर्मली आदमी खड़ा होगा, लेकिन कई बार क्या है सिम पे करके आप उसको छोड़ रहे हैं, तो आग तो जल रही है, तो यहाँ पर काम कर रहा है तो आदमी खड़ा होगा। तो कहने का मतलब है उधर या इधर बीच में आदमी काम कर रहा होगा, तो आमने सामने का उतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन में अवॉइड करना चाहिए, एक लाइन में देने की मजबूरी भी हो जाए, एक्सट्रीम डिफरेंस ओपिनियन रहता है उसे आग बनाने, एक लाइन में देने की भी मजबूरी हो जाए। ये किचन होगी मान लीजिए, ठीक है एरिया, तो इसके अंदर क्या होगा, ये कोना ईस्ट हो जाएगा, वो कोना साउथ हो जाएगा, आपके पास यही स्लैब है मान लो, आप कुछ नहीं कर सकते, उस कोने में आपने क्या दे दिया, या बीच में साउथ ईस्ट में या साउथ में आपने फायर दे दी और यहाँ पर आपने पानी दे दिया, यही कर सकते हैं आप। तो क्या हुआ कि आपने इसको बेस्ट करने का प्रयास किया लेकिन एक लाइन में हो गए, तो बीच में जो स्लैब है कहीं पर ना पार्टीशन देने का प्रयास करो, ये याद रखते हुए कि जमीन से टच करके 60% एनर्जी चलती है, 2 फीट तक 80% चलती है, 3 फीट तक 90% चलती है। यदि कन्वीनियंट हो तो 3 फीट का ऊपर आप मार्बल का, ग्रेनाइट का, पत्थर का, चाहे ग्रेनाइट का, किसी चीज का पार्टीशन दे दो। तो नीचे का मतलब मैडम फ्लोर के स्लैब की बात कर रहे हैं, नीचे तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे हम स्लैब के यू के ऊपर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि स्लैब के ऊपर ही रखा हुआ है हमारा हीटिंग आइटम और स्लैब के ऊपर ही हमारा होता है पानी, तो वो कहां से पार्ट ये टॉपिक। तो इसका मतलब है कि हमें जो हम एवरेज आउट करके बेस्ट कर सकते हैं उसमें वो करने का प्रयास किया तो पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। फिर यहां पर मैं छोड़ू, फिर ये देखो कि वहां पर किचन होने का क्या तकलीफ, भारी खर्च, मानसिक अशांति, ठीक, उसको हमने कुछ कम किया, लेकिन अब हम दूसरा क्या करें कि खर्चा तो रुक नहीं सकता, तो इनकम बढ़ाने का प्रयास करें। तो इनकम कैसे बढ़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में जाएं एरिया में या नॉर्थ में जाएं, मानसिक शांति के लिए नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करें। नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं आप, घड़ी लगा के कर सकते हैं, मिरर लगा के कर सकते हैं, पानी का चित्र लगा के, पानी एक्टर ऑर्नामेंटल फाउंटेन जैसे हमारे ऑफिस में लगा हुआ है वैसे लगाने का प्रयास कर सकते हैं। कहने का मतलब है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट
दोनों एरियाज को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारा फाइनेंशियल फ्लो इनकम बढ़ जाएगी, तो वो जो पिंच हो रहा है हमारे को वो कम हो जाएगा। तो इस तरह हम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, 2000 पीछे लिखा भी हुआ है इस कॉन में, एक ऑल ओवर इंडिया वो हुआ था वास्तु कंसल्टेंट्स का, तो उसमें जगदपुर शंकराचार्य जी ने भी बताया था कि भाई ये ऐसा नहीं है नई नई चीज़ आ गई है, लोग कह रहे हैं कहाँ से आ गई, बहुत से लोग उस समय सुनने मिलता था, अरे कोई हमें बुलाते भी थे उनके पिताजी या दादाजी बैठे होते, हम सारी जिंदगी हमने ऐसे ही कर लिया, कोई मतलब परेशानी नहीं हुई, सब ठीक चल रहा है, आज कहाँ से आ गई वास्तु। उन्होंने बड़ा अच्छी तरह साइंटिफिकली समझाया कि हमारे पुराने ग्रंथों में सारा दिया हुआ है, बहुत अच्छे विद्वान थे ज्योतिष के और वास्तु के, तो स्वर्गवास हो गया इनका। कहने का अभिप्राय यही है कि बड़े मतलब ज्ञान के आप ही ना, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ बेंगलोर में अलग से वास्तु डिपार्टमेंट है जहाँ वास्तु पढ़ाई भी जाती है, वास्तु इंचार्ज है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इनके सेंटर्स हैं जहाँ पर वास्तु उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके जो भगत लोग हैं वास्तु की एडवाइस चाहिए तो वो मिलती है। यानी जो ऑथेंटिक आदमी है, अच्छे लोग हैं, वो सब पॉजिटिव वे में ही इसको आगे हमारी पुरानी रिच हेरिटेज है बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दूसरी क्रिटिसाइज नहीं करते। हमारे जयपुरी जी हैं 84 में, आप पढ़ो ऊपर से लाइन पढ़ने का प्रयास करो, काफी चीजें सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब। यानी इतने जमाने से डेडिकेशन है सर के हमारे सब्जेक्ट्स के प्रति, उस जमाने के थे 84, शायद कुछ लोग पैदा शायद ना हुए हों मेरा ख्याल। नक्षत्र 2009 की, 2009 की है ये, वहां पर ये हमारे यहाँ एक और फैकल्टी थी वास्तु की, पूर्णिमा गिरोकर आए, हम बैठे हैं वहां पर। ये एक वास्तु डे मनाया गया था, ये देखो ऊपर पढ़ो काफी अच्छी लिख रही है, हमारे भी तीनों में वो ब्लॉकेज आई है तो कम बोलना ही अच्छा है, जरा बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो जो पढ़ सकते हैं पढ़ लो। उस समय हमारे को ना ये फाइव साहब की डेथ हुई थी और हमारी वो शूटिंग चलती थी इसमें आपका स्टार प्लस में 8:30 बजे और 10:30 बजे, 10:30 बजे संडे को, 8:30 बजे सैटरडे को प्राइम टाइम के अंदर, तो एक हम वो बताया करते थे 20 मिनट हम बोलते थे, जैसे किचन, तो किचन के ऊपर जो हमारे क्लाइंट्स थे उनके यहाँ दिखाते थे कि देखो ये आइडियल स्थिति है किचन की, इसके अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं, ये खराब चीज़ें हो सकती हैं, तो किचन के अंदर कोई भी ऐसा कोशिश करते थे फैक्टर ना रहे आदमी को समझने में, और वो उसकी में प्रॉब्लम तो ठीक कर पाए, डिजाइन कर रहा हो तो पॉजिटिव चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर पाए, कोई खराबी है तो उनको कुछ डाइल्यूट कर पाए। जैसे एक दिन हमने बोला कि पूजा का स्थान कैसा होना चाहिए, काफ़ी लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन है, पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए मैडम बताओ, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, दो चीज़ें सुनी मैंने। मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग है घर का गेट ईस्ट के अंदर है, तो वहाँ पर आपके पास जगह नहीं है देने के लिए, आप नहीं चाहते कि जो भी आए जूते भी उतार रहे वहीं आपका मंदिर हो, तो वो आप नहीं चाहते वहाँ पर, तो इसलिए प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि भाई इधर ना हो, कोई दूसरा स्थान बताया जाए, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है जी, उस तारीख एकदम थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मतलब आने जाने सबको तकलीफ होगी, बट प्रैक्टिकली नहीं है। मान लो बहुत बड़ा हवेली है, उसके अंदर बीच में कई सौ गज की खुली जगह, तो उसमें आप दे दो मतलब आजकल थोड़ा आम आदमी के लिए कम रेलेवेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, मान लीजिए प्रैक्टिकल आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं देना चाहता, साउथ ईस्ट, आपने क्या बोला साउथ ईस्ट, आपने क्या बोला साउथ वेस्ट, जो नेहरू की रैली का स्थान होता है मतलब साउथ वेस्ट, पूजा हो सकती है। आप
नहीं आपका क्वेश्चन है साउथ वेस्ट में हो सकते हैं, जरूरी है आपका कहना है कि साउथ ईस्ट में दे दे क्या? शर्मा जी आपका क्या ओपिनियन है? साउथ ईस्ट में होना चाहिए सर, साउथ ईस्ट में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए बोला। अच्छा आपका क्या विचार है सर? सर किसी भी आप रूम में लीजिए उसमें नॉर्थ में या ईस्ट में कर लीजिए, उस रूम पर्टिकुलर रूम में जो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल। बेडरूम में होना चाहिए ना? आप बेडरूम में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों का बेडरूम हो तो हो सकता है, अनमेरिड कपल का हो तो हो सकता है। अभी हम फिर वही दो बातें आ जाएंगी, अभी सर ने क्या बताया, लोकेशन बताएगी जो भी आपके पास रूम अवेलेबल है उसके अंदर ईस्ट फेसिंग ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि वो रूम कहां पर सेलेक्ट किया जाए, मान लीजिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के और भी कई सारे रूम अवेलेबल है तो कौन से रूम को प्रेफर करें? हमारे पास साउथ का रूम भी अवेलेबल है, साउथ ईस्ट का भी अवेलेबल है, साउथ वेस्ट का भी अवेलेबल है, बहुत बड़े किसी आदमी क्लाइंट मिल गया भवानी के पास है आपको, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का भी अवेलेबल है, नॉर्थ का भी अवेलेबल है, वेस्ट का भी अवेलेबल है, तो इन सारे में से कौन से रूम को चूज करोगे? सारे उन्होंने कहा ओके फ्रंट को छोड़ दो मेरा, फिर किसको करोगे? तो फिर आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट रूम को प्रेफर करोगे। कई लोगों से हमारी थोड़ी शुरू शुरू में ये होती थी आर्गुमेंट कि जी वो वेस्ट में कैसे हो सकते हैं भगवान को, बिरला मंदिर कहाँ है आपका? वेस्ट में और हाइट पे है और ईस्ट को देख रहे हैं, यानी हम पूजा करते हैं तो भगवान की तरफ वेस्ट में देखते हैं और भगवान ईस्ट को देखते हैं। मरगट वाले हनुमान जी कहाँ पर है? वो ईस्ट में है, हम ईस्ट में देखते हैं वो वेस्ट में, तो दोनों ऑप्शंस ओके हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है, मान लीजिए आपका नॉर्थ का कमरा है, ठीक है, तो नॉर्थ के कमरे के अंदर जो चूज किया आपने, या नॉर्थ ईस्ट का कमरा आपने चूज किया या ईस्ट का भी किया किसी ऑप्शन के अंदर, तो वहां पर इन जनरल भारी सामान नहीं होना चाहिए, भगवान का होने चाहिए, यह सेकेंडरी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ये तो मान्यता पर डिपेंड करता है, मुस्लिम कंट्रीज में कुछ और मान्यता है, वो वेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे यहाँ कुछ और मान्यता है, हमारे हिंदुस्तान में साउथ में कोई और मान्यता है, तो ये वेरी कर सकते हैं बिलीफ टू बिलीफ, लेकिन कुछ बेसिक लॉज हैं वास्तु के जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे नंबर वन कि नॉर्थ पानी का स्थान है, साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट में हाई एंड हैवी होना चाहिए, वहां पर कम स्थान उसके पीछे होना चाहिए, तिब्बती भगवान के साउथ में पहाड़ है, चाइना के साउथ में पहाड़ है, एग्जाम्पल देते हैं, और भी है पैसा भी है दोनों चीजें, वहाँ हाई एंड हैवी होना चाहिए, उसका अपोजिट क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट वो लो एंड लाइट होना चाहिए, ये बेसिक चीजें जिनको कोई भी वेव नहीं कर सकता। एक और बेसिक चीज है कि सिमेट्री लाइक करेंसी नोट, ये हमारे राव साहब ने वर्ड दिया था करेंसी नोट, सिंपल कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास ऑप्शन है, एक प्रॉपर्टी ये है पांच कोने वाली कोना कट, ये टेबल है जैसे ये कोना कटा हुआ है शो के लिए, या थोड़ा ओवल है कोई भी चीज, मतलब राउंड है, ट्रायंगुलर है, डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है प्लॉट्स की, कहा सबसे लास्ट हो जाता है कोने का प्लॉट तो जैसा होता है सारा फिल्टर दे देता है इंचेस की वैल्यू में, तो सिमेट्री लाइक करेंसी नोट इज द आइडियल शेप, स्क्वेयर उसके अंदर यदि प्लॉट चूज करना है, एक तो करेंसी नोट क्योंकि प्रैक्टिकल वही है, स्क्वेयर में प्लॉट्स कम मिलते हैं, लेकिन आप स्क्वेयर यदि मिल जाए जैसे ताजमहल में क्या खासियत है कि उसके अंदर ईस्ट से नॉर्थ से साउथ में यमुना जी जा रही है, ईस्ट की तरफ से जा रही है, टिकट भी है, पैसा भी है, नेम एंड फेम भी है, और वो स्क्वेयर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जबकि उसमें देखोगे आप वेस्ट में खुली जगह है, लेकिन वो कंपनसेट कैसे हो रही है कि ईस्ट में पहले क्या है खुली जगह है, फिर गहराई है, पानी है, फिर खुली जगह है, तो ये स्क्वेयर होना, मैं इस समय स्क्वेयर की बात कर रहा था, तो स्क्वेयर होना अपने आप में बहुत अच्छा है प्रोवाइडेड वो प्रैक्टिकल हो, लेकिन नॉर्मली स्क्वेयर प्लॉट्स कम मिलते हैं तो रेक्टेंगुलर मिलते हैं, तो नहीं करना चाहिए। कई जगह देखा है कि मंदिर वगैरह घर में मना करते हैं, टापू देखा है, इसमें भी आते हैं, हम पहले इस पर खत्म कर लें कि मान लीजिए नॉर्थ रूम है तो वहां पर वजन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का रूम वजन नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम कोशिश क्या करें
और वहां पर नॉर्मली हम लोगों की मान्यता है कि ईस्ट में फेस करके पूजा करो, तो लकड़ी का आपको मंदिर बनवाओ, हल्का बनवाओ, रूम आपको मिल गया लेकिन वहां भारी मार्बल का, भारी पत्थर का ना रखो। परंतु उसको भी रखना चाहते हैं, पुराना मंदिर है बहुत बड़ा बना हुआ और उसके साथ प्रेम हो गया है, मालिक कह रहा नहीं यही मैंने रखना है, नहीं हटाना चाहता। जो रूम अवेलेबल है का, उसके वेस्ट में रखो उसको, आप वेस्ट में मुंह करके पूजा करो, वो ईस्ट में भगवान देखेंगे, इट इज परफेक्टली ओके। वेस्ट माने कमर, कमरे में वजन उठा सकते हैं, ईस्ट माने छाती में वजन नहीं उठा सकते। पत्थर का हो यानी भारी, भारी है तो वेस्ट में रखो, वेस्ट के कमरे में यूज करो, वेस्ट का यदि ऑप्शन है हमारे पास, यदि कमरा दूसरा भी कोई मिल रहा है तो आपको वेस्ट की दीवार के साथ रखो। एक कहावत है सर, वो कहते हैं ना, पैर गरम पेट नरम उससे ठंडा, से ठंडा। अगर घर में इस तरह की वास्तु बनी हुई है, पेट यानी कि हमारा गर्म स्थान हल्का है, दबाव नहीं है उस पर, तो ठीक है, करेक्ट। और जो हमारा हेड है उस पर ठंडा रहे वो ठीक है, उसको तो मतलब पानी उधर होना चाहिए, पानी उधर होना चाहिए, पानी उधर होना चाहिए, पैर हमारे जो वजन नहीं होना चाहिए, अगर कोई दो में रह रहा है, कोई तीन में रह रहा है, कोई एक में रह रहा है, एक वाले के लिए क्या ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन वही है जो आपने बोली है कि आसपास कोई मंदिर है उसको पैटर्नाइज करें, वहां जाके पूजा घर में ना करें, घर में ना करें। लाल जी साहब यही कहती है कि जिसके साथ में बृहस्पति है, दसवें बृहस्पति है, तो उनको चाहिए, चौथे बृहस्पति है तो उनको चाहिए कि अपना घर में पूजा ना करें, बाहर करें तो ज्यादा अच्छा है। और जन्म से मान लो आपने देख लिए बच्चे जो करंट पैदा हो रहे हैं, हो सकता है आपकी और हमारी भी ना हो एग्जैक्ट, हमारे पेरेंट्स रह रहे हो तो उनके जमाने तो होती नहीं थी। दूसरी बात क्या, हर साल भी आप वर्ष फल में चेंज होते रहेंगे स्टार, तो हर साल कैसे चेंज करते रहेंगे, सब ठीक आपने शुरू देख लिया लेकिन तीन साल बाद मान लीजिए वर्ष फल में खराब आ गया, खराब इन द सेंस कि उस हिसाब से जहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए साथ में आ गया बृहस्पति, फिर उठा के गाँव मंदिर को ले जाओ। तो बेस्ट यही है, पहले जमाने में गाँव के अंदर एक मंदिर होता था, सब लोग वहाँ जाते थे, उसकी केयर भी होती थी और वहाँ जाते हैं सब लोग, मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कि जब आप घर में हैं तो घर की बात करो, जब आप मंदिर में तो मंदिर की बात करो। तो आजकल क्या है, काम पर हम आ रहे हैं तो हमें पूजा पाठ में ध्यान है, घर में है तो पूजा पाठ में ध्यान है, जब पूजा कर रहे हैं तो कहीं और ध्यान है, कोई कर तो वो कोई उसका लाश है। हमने एक तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं मिलते, 99% कॉर्नर मैं तो कहा नहीं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि वहाँ वजन रखोगे आप, कुछ ना कुछ रखोगे, ज्यादातर आपके लकड़ी का प्लेटफॉर्म भी है तो मूर्ति